हाल ही में सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आई है। सहारनपुर के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर योगी सरकार ने एक और शिकंजा कस दिया है। इस मामले में उन पर अवैध खनन, जबरन जमीन कब्जा करने, धोखाधड़ी और कई और गंभीर आरोपों में फरार होने का आरोप लगा है। हाजी इकबाल और उनके साथियों की करीब 503 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। सहारनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बड़े माफियों में से एक हाजी इकबाल और उनके सहयोगियों की कई संपत्तियों को पता लगाया गया है, जिन पर आपत्ति की मांग की गई थी, जिसके बाद उन सभी संपत्तियों पर 90 दिन में आपत्ति मांगी गई थी। सहारनपुर पुलिस के रिपोर्ट के बाद माफिया हाजी इकबाल की 503 करोड़ की संपत्तियों को जल्द ही कुर्क किया जाएगा। मामला कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति है कि शांति और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो चिन्हित माफिया हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में जो जनपद के और प्रदेश के चिन्हित माफियाओं में से हाजी इकबाल और उनके सहयोगी जो गैंगस्टर एक्ट में जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, लगभग 503 करोड़ की संपत्ति उनकी पुलिस आख्या के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में उनको कुर्क किए जाने के आदेश दिए गए थे। उसमें व्यवस्था है कि फिर उसको 90 दिन की आपत्ति का समय दिया जाए और उस आपत्ति के बाद उन्हें उसको सुनकर प्रकरण को संदर्भित किया जाए। मेरे द्वारा समय विषय पर पूरी विवेचना की गई, जो आपत्ति प्राप्त आई उसको माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में दी गई व्यवस्था के अनुरूप उसको सुना गया और सुनकर यह पाया गया कि यह संपत्ति कुर्क किए जाने योग्य है, तो उसकी पुष्टि करते हुए फाइनल अंतिम निर्णय के लिए गैंगस्टर कोर्ट को प्रकरण संदर्भित किया गया है। निश्चित रूप से ऐसा प्रकरण जिसमें 500 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है, इससे समाज में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी और यह माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे प्रकरणों में कोई भी लापरवाही ना हो और समय से उनकी सुनवाई हो, जिससे कि जनता में आम जनता को राहत मिल सके। यह आदेश साफ दिखाता है कि योगी सरकार ने अवैध और आपराधिक क्रियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और उन्होंने इस तरह के आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाया है। सहारनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने इस मामले में सरकार के प्रति अपना समर्थन जताया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ न्याय पालन किया जाए।